नारद संचार आर्थिक समाचार के ताज अंक में हम आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज 7 जून है, आम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 9 जून को शपथ लेने जा रही है। फिलहाल हम बात करेंगे रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि रिजर्व बैंक हर 2 महीने में देश दुनिया की आर्थिक स्थिति के मुताबिक जो है जो पहले से घोषित उसकी मौद्रिक नीति होती है उसकी समीक्षा करता है कि देश में दुनिया में कहाँ कैसे कैसे हालात हैं, उसके मुताबिक हमारी जो मौद्रिक नीति है उसमें क्या बदलाव होने चाहिए उसकी हर 2 महीने में समीक्षा करता है। रिजर्व बैंक देश में महंगाई और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन रखने का काम करता है। तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5, 6 और 7 जून को बैठक की और उस बैठक का जो परिणाम है वो 7 जून को रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है। तो इसमें जो मौद्रिक नीति समिति है उसने कहा है कि जो रेपो दर है वो 6.5% पर बनी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो दर रिजर्व बैंक की मूल नीतिगत दर है, मतलब इसी दर के आधार पर, इसी दर के सहारे रिजर्व बैंक पूरे बैंकिंग तंत्र को और जो पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कंट्रोल करता है। इस दर में घटबढ़ से तमाम जो ब्याज दरों का परिवेश है उसमें बदलाव होता है। तो जब इसे 6.5% पर बरकरार रखा गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंकों की ब्याज दरें हैं, जमा दर हो या कर्ज की दर हो, उसमें फिलहाल कोई बड़ा बदलाव आने नहीं जा रहा है। बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा को देखते हुए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बदलाव है उसमें जो ऑटो लोन है, होम लोन है, पर्सनल लोन है और दूसरे लोन है, उसमें उनकी जो ब्याज दर है उनमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब ये है। तो जो मौद्रिक नीति समिति के 6 मेंबर हैं, 6 में से 4 2 के बहुमत से ये फैसला लिया गया, यानी 2 ने कहा होगा कि बदलाव होना चाहिए, 4 ने कहा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इसी हिसाब से जो बाकी दरें हैं जैसे स्थायी जमा सुविधा है 6.25% पर बनी रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो 0.75% पर बनी रहेगी, बैंक दर भी 0.75% पर बनी रहेगी। समिति के 6 में से 4 सदस्यों की राय से मैं ये भी उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक जो समायोजन की नीति है उससे पीछे हटने का काम जो है जारी रखेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हासिल किया जाए। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य रिजर्व बैंक का 4% पे है, यानी रिजर्व बैंक जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 4% पे लाना चाहता है, वही उसके लिए संतोषजनक स्तर है। ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा 6 और नीचे में कम से कम 2%, तो इस समय ये 4.85% पर चल रही है जो अप्रैल की मुद्रास्फीति आई थी, तो 4% से थोड़ी दूरी पर है। रिजर्व बैंक जो रेपो दर में जो फैसला करता है वो एक तरह से बैंकों की आधार दर है जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इस समय जो बैंकों की इसी के आधार पर जो बैंकों की सीमांत लागत, कर्ज की सीमांत लागत दर है वो 8 से 8.60% के बीच चल रही है, जबकि बैंकों की जो आधार दर के हिसाब से जो अगर ब्याज दर की बात करें तो 9.10% से लेकर 10% तक, और बैंकों में जो बचत दर है, जो बचत खाते पर जो ब्याज दिया जाता है वो 2.70% से लेकर 3% के बीच में चल रहा है। जब बैंक 6.5% बैंक की रेपो दर होगी, रेपो दर मतलब जो बैंक रिजर्व बैंक से अपनी फौरी ज़रूरत के लिए पैसा लेता है उसको कहते हैं रेपो दर, तो 6.5% पर उन्हें पैसा मिलता है तो आगे उस पैसे को अगर कर्ज पर देगा वो तो 6.5% से ऊपर ही होगी, उसमें बैंक के अपने खर्चे भी हैं, सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह सब मिला के, तो ये कम से कम 8% जो है बैंक की वो दर है जिस पर वो लोन देता है। और बाकी जो सावधि जमा ब्याज दरें हैं वो आपको पता ही है 4.5% से लेकर 7.5% के आसपास तक बनी हुई हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में दुनिया एक के बाद एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है
और ये स्थिति अभी भी जारी है, अभी भी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, और इस सब के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें वित्तीय स्थिरता के साथ साथ वृद्धि का रुख बना हुआ है। बहरहाल हमें अनिश्चितता भरे वैश्विक परिवेश में सतर्क रहने की जरूरत है, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने 2023-24 के दौरान भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े अभी जारी किए। 31 मई को ये आंकड़े जारी हुए थे, जिसमें ये बताया गया कि 2023-24 में जो रियल GDP है वो 8.2% रही है, जो कि अनुमान से अच्छा आंकड़ा था। और उसमें अब ये बोला कि जो 2024-25 अब जो ये साल शुरू है अप्रैल से, अप्रैल मई और अब जून चल रहा है, आर्थिक गतिविधियां बेहतर बनी हुई हैं, मजबूत घरेलू मांग से विनिर्माण गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो 8 बुनियादी उद्योग हैं, जो बुनियादी उद्योग हैं 8, जैसे स्टील और बिजली, गैस, ये जो कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का, ये बुनियादी उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, उनकी वृद्धि भी अच्छी है। विनिर्माण क्षेत्र में खरीदार प्रबंधकों का सूचकांक मई 2024 में मजबूत रहा है और दुनिया में सबसे अच्छा रहा है। सेवा क्षेत्र की स्थिति भी अच्छी है। मई 2024 में सेवा क्षेत्र का PMI, जो इसको नापने का एक वो है, वो 7.2 अंक रहा है, जो कि अच्छी गतिविधियों में अच्छा विस्तार बताता है। निजी क्षेत्र की खपत बढ़ रही है, शहरी क्षेत्रों में खर्च क्षमता ठीक ठाक चल रही है, कृषि क्षेत्र की गतिविधियों में सुधार आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है, गैर खाद्य बैंक ऋण वृद्धि, उसमें वृद्धि हो रही है, उससे निवेश बढ़ रहा है। तो सेवा क्षेत्र का निर्यात और आयात दोनों बेहतर हैं और अप्रैल 2024 में इनमें मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान ने बताया कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो सामान्य से बेहतर रहेगा, इससे खरीफ फसल में उत्पादन अच्छा रहेगा, देश के जो जल भंडार हैं उनकी स्थिति बेहतर बनेगी, और कृषि क्षेत्र की मजबूती आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, बैंकों और कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है, पूंजीगत खर्च पर सरकार का जोर बना हुआ है, वैश्विक व्यापार में सुधार की संभावना से भारी मांग भी बढ़ेगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो 2024-25 है उसमें भी रियल GDP वृद्धि 7.2% रहने का उसने अनुमान व्यक्त किया है और महंगाई 4.5% के औसत उस पर रहेगी। मतलब जो 2024-25 में उसमें महंगाई का जो आंकड़ा है पूरे साल का औसत वो 4.5% रहेगा, ग्रोथ रेट 7.2 और महंगाई 4.5। तो महंगाई पर भी काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कोशिश कर रहा है। और केंद्रीय बैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति के मामले में हम सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। वैश्विक स्तर पर इस बात को लेकर चिंता है कि उपभोक्ता जिंसों के दाम में गड़बड़, आपूर्ति श्रृंखला के गड़बड़ाने और भू राजनीतिक उठापटक जारी रहने से महंगाई में कमी लाने का जो आखिरी लड़ाई जो है वो अभी लंबी और कठिन हो सकती है, ये उन्होंने चेताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। नमस्कार।